ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वही वीडियो है जो लड़कों की हैवानियत की इंतहा दिखाता है। ऐसी घिनौनी हरकत की अगर लड़की की बात पसंद ना आए तो उसको कहीं का नहीं छोड़ो या जीते जी मार दो। खैर, यहाँ तो कुछ वैशी दरिंदों ने इस महज इंटर में पढ़ रही युवती की आखिरकार जान ही ले ली। आज फिर मैं मन में गहरी वेदना के साथ आपका ध्यान भागलपुर में हुए एसिड अटैक मामले की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ एक महीने से एसिड अटैक के बाद अपनी जिंदगी और दर्द से लगातार लड़ती हुई लड़की अंत में यह जंग हार गई। भागलपुर में हुए एसिड अटैक मामले की पूरी जानकारी मैंने लगभग एक महीने पहले पोस्ट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्यों कैसे हुआ था ये अटैक देख सकते हैं। फिलहाल मैं घटना के बाद की आज आपको अपडेट दे रही हूं। खबर भागलपुर के अलीगंज स्थित एक मोहल्ले में रहने वाली इंटर की छात्रा की है, जहां उसके घर में 19 अप्रैल 2019 को घुसकर कुछ लड़कों ने तेजाब फेंक दिया था। इसके तुरंत बाद उसे भागलपुर के JLNMCH भागलपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्राथमिक उपचार कर उसे समयन अस्पताल वाराणसी भेज दिया गया, जहां एक माह तक छात्रा का इलाज हुआ। डॉक्टरों की टीम ने बहुत प्रयास किया, बीच बीच में छात्रा की हालत में सुधार भी होता था, कई सर्जरी किए गए, लेकिन संक्रमण के कारण स्थिति अंत में और खराब होती गई। छात्रा को वाराणसी के समयन अस्पताल से रविवार की शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। समयन अस्पताल में छात्रा की हालत दो दिनों से अचानक बिगड़नी शुरू हो गई थी। छात्रा को किडनी में सूजन और शरीर के अन्य भागों में तेजी से संक्रमण फैल रहा था, इस कारण उसे कई तरह की परेशानी हो रही थी। उसे शुक्रवार से सांस लेने में तकलीफ होने पर वाराणसी में वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रशासन ने छात्रा को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। वेंटिलेटर पर ही छात्रा को दिल्ली पहुंचाया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद उसका वहाँ निधन हो गया। यह खबर रविवार की रात करीब 9 बजे की है। निधन की सूचना जैसे ही भागलपुर पहुंची, यहाँ का माहौल शोकाकुल हो उठा। छात्रा के ज्यादातर परिजन दिल्ली में ही हैं, वहीं बाकी परिजन सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसी घटनाएं नई नहीं है, यह कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। कल भी लोगों ने अपना गुस्सा जताया था, लेकिन क्या उसे हम अपने आने वाले कल में ऐसी दर्दनाक हरकत न करे कोई, उसकी गारंटी ले पाएंगे? पता नहीं मुझे इस सो कॉल्ड सामान्य लोगों की मानसिकता इतनी विक्षिप्त कैसे हो जाती है। आज भी स्त्री को महज एक उपभोग और सब चुपचाप स्वीकार करने वाली समझा जाता है। यही मानसिकता है जो ना या अपने ईगो को सेटिस्फाई ना होने के कारण कुछ भी कर जाते हैं। सभी हदें भूलकर ऐसी घिनौनी हरकत करने से भी नहीं घबराते। क्या कानून इतना लचर है हमारा कि ऐसे लोगों के मन में खौफ नहीं, उन्हें सजा का कोई भी डर नहीं? इन्हें सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि अगला जो भी हो वो उसकी सजा को सोच कर भी कांप उठे। मैं अपने सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करती हूँ कि मिल के इससे संबंधित कानून को सख्त और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द गुनाहगार को पकड़ने और कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाएं, ताकि अगला कोई व्यक्ति ऐसा करने का सोच भी ना सके। एक मिनट नहीं लगा उसको मासूम की जिंदगी बर्बाद करने में, और एक महीने से ज्यादा हो गए हैं गुनाहगार को सजा नहीं मिली। आज उस बेबस लड़की की आत्मा एसिड अटैक के बाद भी न्याय न मिलने के कारण तड़प रही है। उस बेबस लेकिन एक महीने तक दर्द से और एक अनसुलझे सवाल से जूझती कि आखिर क्यों? ऐसी हिम्मती युवती को ट्रेंडिंग समाचार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। और एक बार फिर से मैं सभी व्यूअर्स से अनुरोध करूंगी कि इस बार मिलकर आवाज उठाएं, ताकि इस गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि अगली बार कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सके, और करने की सोचे भी तो वो कांप उठे।